पुचकी पुचकी अरे अरे पुचकी अरे अरे पुचकी निकली है, छोटी पुचकी निकली है, छोटी मेरी। क्या हुआ, क्या कह रही है? कैसे निकला कैसे निकला नहीं यार। अच्छा, अच्छा वो दो ना वो पापा को। कब से? हाँ बताओ क्या है। देखिए जरा मोटे को, अभी देखिए भागेगा कैसे। भागा है किशोर, इसका डिब्बा उठाना तू, जरा वहां से डिब्बा उठाओ उधर से, तो कोने से। ये घड़ी, ये घड़ी हमको चेंज कर। इधर है, इधर है, नीचे इसके। ये उठाओ यहाँ से, इसकी इसकी प्लेट उठाओ, यहाँ से प्लेट उठाओ। पानी में डालना? हाँ नहीं, पानी में नहीं डालना है, दिन वाला पानी में नहीं डालते। अब तुम उठा लेते? हाँ रखो, नीचे नीचे रखो, ये रख दो। हुई हुई लाट साहब। किसे भागा? एक उठा के भाग गया। ए एक इशू, ये हाथ से इसको साइड में, यही की यही कॉर्नर पे कर दे। चलो एक और लिया। हेलो, कैसे हो आप लोग? सॉरी मैंने कंगी नहीं की है। आई डोंट नो व्हाई आई साउंडेड लाइक डोरेमोन और सम कार्टून। ये शिनचैन, आई साउंडेड लाइक शिनचैन। तो अभी ना मैं क्या कर रही थी कि मैं अनबॉक्सिंग कर रही, तो अभी मैं अनपैक कर रही थी एक्चुअली। तो मैंने ध्यान दिया कि आई एम हैविंग माई दिस वाला पर्स जो मैं अपने साथ हमेशा कैरी करती हूँ। और आई डोंट नो हाउ यू गाइज डू योर पैकिंग एंड ऑल, लेकिन मेरी क्या आदत है ना कि मैं लाइक अपना घर बार सब कुछ लेके चलती हूँ अपने साथ। और इवन दोस्तों में ना इट इज़ लाइक कि भाई इसके बैग में देखो, इसके बैग में सब मिलेगा, सब कुछ मिलेगा इस लड़की के बैग में। तो यू नो समटाइम्स इट डू फील गुड कि आपको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो चीज़ आपके पास ऑलरेडी है, ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ मिस आउट हो रही है। सो आई वॉन्टेड टू फिल्म दिस वीडियो। अभी तो मैं छोटे स्तर पर ही बना रही हूँ, पर अभी जब आगे थोड़ा सा और ग्रोथ मिलेगी आप लोग के सपोर्ट से, आप लोग के चाहने से, तो मैं और भी आगे अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाऊँगी, तब तो अच्छे अच्छे ब्रांड्स की वीडियोज़ बनाऊँगी। प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, लाइक कॉमेंट शेयर और प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। तो मैं क्या कह रही थी, हाँ बैग, मेरी क्या आदत है कि मैं ना सारी चीज़ें लेकर चलती हूँ। लाइक जो भी चीज़ मुझे दिखेगी कि जो भी चीज़ मुझे लगेगी कि हाँ ये ज़रूरी हो सकती है, ये दिस कैन बी यू नो यूज़फुल और हेल्पफुल इन एनी वे, मैं वो चीज़ उठा के अपने बैग में रख लेती हूँ, भले मेरा बैग क्यों ना भारी हो जाए। तो अभी मैंने शायद इसमें से छाता निकाला था, बस बाकी सारी चीज़ें तो इसमें एज इट इज़ पड़ी हुई हैं। आई वॉन्टेड टू शो यू ऑल हाउ आई प्लान माई 2-3 डे ट्रिप। मैं अपने बैग में क्या क्या अपने साथ रखती हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट होती हैं। या तो ये है मेरा बैग। इसके अलावा एक और जूट वाला बैग है जो मैं अपने साथ हमेशा कैरी करती थी, जब तक ये नहीं आया था, तो अभी मेरे पास आया है, गिफ्ट दी थी। तो इसके पहले मैं अपना जूट वाला बैग कैरी करती थी, वो एक्चुअली उधर वाली इधर ये वाली में रखा है। तो मैं अभी नहीं जा रही उसको निकालने के लिए, जिसके ऊपर और भी सामान पड़ा हुआ है। तो या दिस वॉज माई बैग व्हेन आई वेंट टू अयोध्या, दिस वॉज विद मी। ये आप देख रहे हो मेरा क्लचर, इसमें परमानेंट। ये क्या, इवन अगर मेरा स्लिंग बैग भी होता है तो मेरा क्लचर उसके ऐसे स्लिंग पे ऐसे करके लगा रहता है हमेशा, क्योंकि यू नो इट गेट्स, अब हर समय हर जगह तो मैं ऐसे क्लचर लगा के घूम नहीं सकती, तो इट गेट्स हैंडी जब आप ऐसे करके लगा लेते हो, तो आपको ईजी पड़ता है एक तरीके से।
तो इसलिए मैं अपना ऐसे हांडी पे ही हाँ तो इसलिए मैं अपने हैंडल पे ही वो कर लेती हूँ लगा लेती हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या क्या लेके जाती हूँ अपने साथ जब भी ऐसे ट्रिप वगैरह प्लान करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल माय वॉलेट इज़ अ मस्ट, इसमें सारे कार्ड कैश सब कुछ रहता है, खजाना। सो माय वॉलेट इज़ अ मस्ट। देन हियर कम्स, एक डायरी रहती है परमानेंट मेरे बैग में क्योंकि रहती है बस। तो एक डायरी परमानेंट रहती है मेरे बैग में और इसका इसमें इसका पेन वगैरह भी रहता है साथ में, तो वो। देन आई डू कैरी वन एक्स्ट्रा बैग विद मी, एक एक्स्ट्रा पॉलिथिन या एक एक्स्ट्रा बैग मेरे पास हमेशा रहता है क्योंकि आई डोंट नो मुझे कब कहाँ कौन सी चीज़ पसंद आ जाए, आई डोंट नो मुझे कब कहाँ कौन सी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए। तो मैं ये बैग ज़रूर अपने साथ एक रखती हूँ एक्स्ट्रा, इवन अगर मैं कॉलेज भी जाती हूँ, क्योंकि यार भरोसा नहीं ना आजकल के प्रोडक्ट्स का, आजकल के बैग वैग का। कई बार मेरे साथ होता है ना कि मेरी स्लिंग टूट जाती है बैग की, तो व्हाट आई डू इज़ आई कैरी दिस बैग विद मी कि अगर बाय एनी मीन्स अगर मुझे ज़रूरत पड़ गई इसकी, या अगर कहीं मेरा बैग ने मेरे को धोखा दे दिया, तो भैया आई एम हैविंग एटलीस्ट अ सिंगल बैग जिसमें मैं अपना सामान बटोर के रख के लाइक घर तक ला सकूं। देन हियर कम्स दिस क्या कहेंगे इसको, पाउच, बायजूस वाला पाउच है ये, और इसमें ये मेरा इमरजेंसी पाउच रहता है, इसमें सुई धागा, सेफ्टी पिन और फेस वॉश, पेंसिल, पेन है, फेस वॉश है, सेफ्टी पिन है, और आई डोंट नो वाई दिस इज़ वो फ़ोन वाला पेन, आई डोंट नो वाई इट इज़ हियर। एक रबड़ है, मॉइस्चराइजर है, और ये मुझे ना बड़ी अच्छी लगती है, ये मेरी लाइक वन ऑफ द क्यूटेस्ट पोजिशंस है। दिस इज़ श्रीमद् भागवत गीता और ये पूरी संस्कृत में है, ऑफकोर्स मैंने पूरी पढ़ी नहीं है, गाइज मुझसे पूछना भी मत, मैंने नहीं पढ़ी है, कौन पूछ रहा है आके। हाँ तो मैंने पढ़ी नहीं है बट आई डोंट नो वाई इट इज़ हियर। वो है टीम साल्वाडोर, नहीं क्या ये मेरे लॉकर की चाबी है, हाँ जो कॉलेज वाला लॉकर है उसकी चाबी है। आई डोंट नो व्हाई आई एम हैविंग दिस इन माय, अच्छा या क्योंकि अभी इससे पहले कॉलेज चल रहा था, तो कॉलेज में भी, हाँ कॉलेज में भी ये दो चीज़ें मेरे साथ परमानेंट रहती हैं हमेशा। तो दिस वॉज माई इमरजेंसी पाउच, देन दिस इज वन मोर पाउच, या आई हैव पर्स। तो ये एक और पाउच है, ये एक और पाउच है, और इसके अंदर जो इस फंक्शन को मुझे अटेंड करना है उसके ईयरिंग्स हैं, काजल है, टिप टैप क्लिप्स हैं, और नेल पेंट है, नेल पेंट बहुत ही मेरे को अच्छा लगा था यार, मैंने ले लिया इसलिए। दिस टू हैज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी बट मैं बताऊंगी नहीं वरना आप लोग मेरे को तो पकड़ ही लोगे। देन आई डू हैव दिस वन जो कि मैंने अभी लगाई हुई है, वन ऑफ माई फेवरेट ऑफ कोर्स। तो और रबर है, सेफ्टी पिन है, बिंदी है, और काजल है, और हाँ बस इतना ही है, बस इतना ही है, या नेल कटर है। तो ये सारी चीज़ें भी हैं मेरे पास क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें कहाँ ही बैग में इधर उधर लाइक पड़ी रहेंगी, तो इसलिए मैंने लाइक इसको भी एक पाउच में डाल के रखा है। देन आई हैव माई फेस वॉश, आई हैव माई सनस्क्रीन, दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट गाइस, माय संस्कृत, देन माय क्रीम, मॉइस्चराइजर, माय मॉइस्चराइजर, सॉरी, मास्क, हैंकरचीफ, और क्या है, एक और क्लचर, आई डोंट नो व्हाई आई एम ऑब्सेस्ड, हाँ ये जूड़ा बनाने वाला क्लचर है, ये बाल खोलने वाला क्लचर है, और ये बाल एकदम ऊपर लाइक टाई अप करके, ये भी एक तरह से जूड़ा ही कह लीजिए, वो वाला क्लचर है। देन क्योंकि कंगी परफ्यूम, आई कॉन्ट फॉरगेट दिस परफ्यूम, छोटा पर्स रहता है जैसे कि अभी ये वाला पर्स है ना, ये वाला, तो इसके अंदर भी, यू विल नॉट बिलीव गाइस, इसके अंदर भी ये परफ्यूम मैंने रखा हुआ है, आई हैव दिस परफ्यूम विद मी। मुझे पता नहीं क्यों आई हैव एन ऑब्सेशन ऑफ स्मेलिंग गुड, मुझे अच्छा स्मेल करना बहुत अच्छा लगता है, अच्छा स्मेल करना बहुत, ओके दिस इज़ नाइस। देन आई हैव पेंस, क्योंकि बींग एन आर्टिस्ट आई डोंट नो वाई आई एम ऑल्सो ऑब्सेस विद पेंस, क्योंकि मुझे कलेक्ट करने का भी शौक है, और मुझे इसका भी शौक है कि लाइक बैठे हुए तो वो स्क्रिबल करने का भी शौक है मुझे, तो लाइक मैं करती रहती हूँ, मैं कभी दिखाऊँगी आपको। देन आई हैव माई वॉच ईयर जो कि मैंने ऐसे ही पहन के रखी थी, कुछ चेंज है, 10 रुपये का सिक्का मिला, ये 10 रुपये तो तुरे खाऊँगी मैं। एक और प्लास्टिक बैग है मेरे पास,
देन आई हैव माई लिपस्टिक पाउच. दिस इज यू नो द लाइक एवरी डे लिपस्टिक व्हाट आई यूज. और ये लिप बाम है शुगर का, और ये ब्राउन वाली लिपस्टिक है जो मैं लाइक हमेशा लगाती हूँ. हमेशा मुझे पता नहीं क्यों मेरे ऊपर रेड नहीं अच्छा लगता है. यू नो मैंने कहीं सुना था कि रेड इज़ द ओनली कलर ऑफ लिपस्टिक या शेड ऑफ लिपस्टिक जो हर लड़की के ऊपर अच्छा लगता है. सॉरी गाइस, मेरे ऊपर नहीं अच्छा लगता है रेड, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता. और मैं लगाने की कोशिश भी नहीं करती रेड, क्योंकि इट इज़ अ वेरी 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 बोल्ड कलर. और पता नहीं क्यों मुझे लाइक कॉन्फिडेंट फील नहीं होता है वो लगाने के बाद. आई एम लाइक कहीं मैं ऐसा चमलौटी टाइप की तो नहीं लग रही. ऊपर से हर दूसरी लड़की रेड लगा के चल रही होती है, तो यू नो आई प्रेफर न्यूड. इवन आई प्रेफर न्यूड मेकअप. आई प्रेफर, आप कभी भी मेरे को ना उसमें नहीं देखोगे एकदम हाईलाइटेड मेकअप में, या एकदम से जैसे कहते हैं आँखों में चुभने वाले मेकअप में, या ब्राइट नहीं, क्या कहते हैं उसको, हाईलाइटेड या हैवी मेकअप में. आप मेरे को हैवी मेकअप में आप मेरे को नहीं देखोगे. आप मेरे को हमेशा न्यूड न्यूट्रल मेकअप में देखोगे, या नो मेकअप लुक होता है मेरा. देन मेरा बैग हो गया है खाली. ये एक लास्ट थिंग है जो मैं इस बार, अभी जब दाल मंडी गई थी वो बनारस वाले ब्लॉग में, कौन वाले ब्लॉग में यार, मंदिर वाले ब्लॉग में, तो जब मैं दाल मंडी गई थी लास्ट, तो मैंने ये एक पंखा खरीदा था. एंड दिस इज़ सो फंक्शनल. एंड बड़ी बात ये कि इससे हवा लगती है. आप मेरे बाल देख रहे कैसे उड़ रहे हैं भाई, इससे हवा लगती है बड़ी अच्छी. और ये लाइक इट इज़ ऑल यू नीड इन समर्स जब आप बाहर जा रहे हो, क्योंकि मतलब जब पसीना आता है ना उस समय, अगर इवन इसकी भी हवा लग जाए तो इट इज़ ऑल यू नीड गाइज लिटरली. और ये बैटरी से नहीं चलता है. सबसे अच्छी बात इसकी ये लगी कि ये बैटरी से नहीं चलता है. इसको जस्ट यू हैव टू नो प्रेस दिस लीवर और फिर ये अपने आप घूमना शुरू कर देता है. तो या दिस इज़ ऑल आई हैव इन माई पर्स. अगर मतलब ऐसा आपको थोड़ा सा इंस्पो लेना हो कि आप क्या क्या रख सकते हो अपने पर्स में, तो आप ये सारी चीज़ें रख सकते हो. मैं तो ये सब कैरी करती हूँ हमेशा. अभी इसमें एक चीज़ और नहीं, देखिए सुई धागा मैं ज़रूर से कैरी करती हूँ. और अगर मौसम बिगड़ा, मतलब सुई धागा इज़ यू नो गाइज, लड़कियों को तो स्पेशली रखना चाहिए, क्योंकि आपकी ड्रेसेस का कोई भरोसा नहीं. और सोसाइटी इतनी प्यारी इतनी अच्छी नहीं होती है, लाइक सब लोग इतने अच्छे नहीं होते हैं कि वो आएँ और आपको बताएँ कि हे एक्सक्यूज़ मी आपका ड्रेस फट गया है वहाँ से. ये चीज़ कभी नहीं होती है. इस बार जब मैं कला मेला में गई थी, मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ. लाइक आई वॉज इन फर्स्ट ईयर, और जब मैं कला मेला में गई थी तो एक लड़की थी और उसने मिडी पहनी हुई थी, और उसकी ड्रेस पीछे से लाइक एग्जैक्ट उसी पॉइंट से वो उधड़ गई थी, और उसकी सिलाई खुल गई थी. एंड यू नो शी वॉजन कम्फर्टेबल, शी वॉज फीलिंग इट, शी वॉजन कम्फर्टेबल. इवन उसकी मम्मी को ये इस बारे में नहीं पता था, उसकी मम्मी थी उसके साथ. तो मैं धीरे से गई ना, आई वॉज लाइक एक्सक्यूज़ मी आपका ड्रेस वहाँ से फट गया है. तो शी इज़ लाइक या आई नो, एंड आई वॉज लाइक यू नो डैम गर्ल यू शुड डू समथिंग अबाउट इट. तो उसकी मम्मी पीछे पलटी, शी वॉज लाइक क्या हुआ. एंड देन आई टोल्ड हर कि आंटी एक्चुअली इसका ड्रेस थोड़ा फट गया है, मेरे पास सुई धागा है, इफ़ यू वॉन्ट आप सिल लो. तो शी वॉज लाइक हाँ बिल्कुल बेटा ज़रूर से. फिर वो वॉशरूम गई. तो लाइक आपको ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं. इवन मेरे साथ कई बार ऐसा होता है कि मेरी ड्रेस कहीं ना कहीं से उठी है, या कहीं से लाइक कोई ऐसे मतलब लाइक कभी कभी होता है ब्रा का स्ट्रैप दिख रहा होता है, या कुछ भी ऐसा हो रहा होता है. सी एक होता है ना, कुछ लड़कियाँ होती हैं दे आर लाइक कि मेरी ब्रा का स्ट्रैप दिख रहा है, सो व्हाट्स द बिग डील, एटलीस्ट मैंने पहनी है. सी गर्ल्स आई एम रियली सॉरी अबाउट इट, लेकिन आपने पहनी है, दैट्स अ गुड थिंग. आपको उससे वो चीज़ बॉदर नहीं करी है, दैट्स अ गुड थिंग टू. लेकिन मुझे अनकम्फर्टेबल फील होता है पर्सनली, लाइक मेरी ब्रा की स्ट्रैप अगर मेरा लाइक ये कुर्ती का गला या ड्रेस का गला यहाँ से जा रहा है, मेरी ब्रा स्ट्रैप यहाँ पर चढ़ी हुई है, तो पहली चीज़ तो मुझे खुद को फील हो जाती है वो चीज़ कि लाइक है इस जगह पर, पहली चीज़ ये. एंड दूसरी चीज़ कि मैं मतलब लाइक ठीक कर लेती हूँ उसको हमेशा. और पब्लिक में पीपल आर लाइक कि ऐसे घूरेंगे चले जाएंगे, एंड देन दे टॉक अमंग देमसेल्फ कि बताओ यार, बताओ कैसी है भाई. दो मिनट रुक के आप अगर उस पर्सन को बोल दो कि एक्सक्यूज़ मी आपका, तो वो चीज़ उसके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगी. बट ये नहीं कि आप मतलब लाइक ब्रा का स्ट्रैप दिख रहा है आप, ओह माय गॉड सो शेमफुल, वो चीज़ अच्छी नहीं होती है गाइस. सो प्लीज़ अगर आपको कभी भी ऐसा दिखे, या कई लड़कियाँ होती हैं जिनका लाइक पब्लिक में पीरियड्स आ जाता है, तो दैट टू इज़ नॉट अ गुड थिंग कि आप ऐसे देख के घूर के चले जा रहे हो. आप इंस्टेंट रुक के उसको हेल्प कर दो. आप एक बार रुको, आप उसके पास जाओ, एंड लाइक आप उससे पूछ लो कि इफ़ शी नीड समथिंग, अ स्कार्फ वुड बी हेल्पफुल, और यू नो
गर्ल्स शुड ऑलवेज कैरी अ सैनिटरी पैड विद देमसेल्फ. आई डोंट नो व्हाई आई वाज नॉट हैविंग दिस टाइम. गर्ल्स शुड ऑलवेज कैरी अ सैनिटरी पैड विद देमसेल्फ और उनको अपने पास मतलब लाइक रखना चाहिए एक्स्ट्रा भी. और अगर कोई पर्सन इन नीड है तो आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए. आप जाओ जाके उससे पूछो कि इफ़ दे नीड देन यू हैव इट यू शुड यू नो गिव इट टू देम. तो ये भी चीज़ आपको अपना लाइक ख्याल रखना चाहिए. एंड व्हाट एल्स आई वाज नॉट हैविंग सुई धागा हो गया सैनिटरी पैड हो गया देन छाता मैंने अभी निकाला एक छोटा छाता भी लाइक अगर मौसम इतना हसीन हो रखा है तो यू शुड कैरी एन अम्ब्रेला. तो हाँ बस इतना ही सामान मेरे पास रहता है हमेशा से. हाँ अगर आप रोड ट्रिप पे जा रहे हो या ट्रेन ट्रिप पे जा रहे हो या ऐसा कोई लंबा ट्रिप प्लान कर रहे हो तो आपके पास मेडिसिंस भी होनी चाहिए. क्या मेडिसिंस भी होनी चाहिए. मेरी ये इमरजेंसी पैक में मेडिसिंस हमेशा रहती है क्योंकि कई बार होता है कि यू नो पीरियड के आगे पीछे या आस पास यू नो यू गेट वेरी मच अनकम्फर्टेबल. कई बार होता है कि आपको बुखार हो जाता है लाइक जिन लोग के साथ प्रॉब्लम होती है आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर गर्ल्स लेकिन जिनके साथ भी प्रॉब्लम होती है थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे होता है तो यू नो वो चीज़ होती है कि मतलब लाइक पीरियड के पहले या पीरियड के बाद आपको बुखार आ जाता है यू फील नॉशियस आपको उल्टी होने लगती है आपका मतलब लाइक लूज मोशन स्टार्ट हो जाता है बहुत सारी दिक्कतें होती हैं. तो अगर आप बाहर हो तो यू नीड टू यू नो कीप सम मेडिसिंस विद योरसेल्फ कि एटलीस्ट आपको अनकम्फर्टेबल ना फील हो या आपकी वजह से मतलब एक होता है ना पूरी ट्रिप ख़राब ना हो. सो यू शुड कीप दैट इन योर माइंड. तो आप ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में रख के प्लान अप करो दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल. और वहाँ बस आपसे ये सब शेयर करना था. फिर शाम को मैं निकल रही थी वॉक पे तो मैंने सोचा एक बार बिल्ली को भी चेक कर लेते हैं है क्या इधर. इधर तो नहीं है याद रखते वहीं बैठी है वहीं बैठी है बच्ची वहीं पर उसी जगह पर बैठी हुई है. ये रही हाय माओ हाय कल इसने पूरा ख़त्म करके रखा हुआ है तभी फिर से थोड़ा सा खाना और दे देते हैं इसके लिए थोड़ा सा और खाना दे देते हैं इसके लिए. कल जो प्लेट दिया था ख़त्म है एकदम तो थोड़ा सा और दे देते हैं इसको. फिलहाल तो ब्रेड और पानी. छोटा बिल्ला है ना छोटू सा एकदम और वहीं पे बैठा हुआ है. बिल्ला की बिल्ली अब जो भी है वो बिल्ला बिल्ली दिखाओ अपना खड़े हो गए जाते जाते फिर उसके बाद मेरे को मत दिखाओ. देख रहे हैं आप लोग ठीक है ये अच्छे से तो मैश हो गया है. अच्छे से मैश हो गया ये लग रहा पानी ज़्यादा हो गया थोड़ा सा कोई नहीं. हाँ मतलब पानी हो ही गया ज़्यादा. लेके जाते हैं छोटी बिल्ली के लिए पी लेगी कोई बात नहीं. अरे छोटा बेबी लो लो अरे छोटा बेबी लो शाउट आउट टू द मौसम. मौसम बड़ा अच्छा बना हुआ है अभी काफ़ी अच्छा एकदम मस्त मस्त पेड़ वेड़ हिल रहा है. A few moments later. आ रही है क्या कितनी भूखी है भाई साहब. प्लेट खत्म पूरी पूरी प्लेट खत्म है सोनू बेबी सब खत्म कर ली तुम किधर है देखिए सब तुमने खत्म कर लिया क्या है सोनू सब कुछ खा ली. सुबह दी थी नहीं सुबह नहीं दिए थे